गुड इवनिंग, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद किया आप लोग ठीक है, स्वस्थ है। और दोस्तों आज बारिश थोड़ा थोड़ा आया है ना, और रेडी हो गया फंक्शन देखने के लिए जाऊंगी। और थोड़ा थोड़ा बारिश आने लगा, हस्बैंड को बोला है चलो, हस्बैंड कहा आज नहीं जाऊंगी ना, बारिश आया है। लास्ट टाइम हम जहाँ मेला देखने गए थे उसी फील्ड पे, उसी ग्राउंड में फंक्शन है ना? हाँ, उसी ग्राउंड में फंक्शन है, और फंक्शन के लिए तैयार हो गए, और अभी थोड़ा थोड़ा करके बारिश आ रहे हैं, और लास्ट फंक्शन है। और आज लास्ट है? तो नेहा जी को नहीं है, मेरा आसपास नहीं है। वैसे भी नेहा जी को इन सब चीजों का कुछ ज्यादा पता नहीं रहता क्या है, कल मुझे इतना पता नहीं रहता, लास्ट है फर्स्ट है। तुम काम पे गया ना, अनाउंसमेंट किया टमटम से ना, आज खत्म हो गया ना, इसीलिए लास्ट टाइम है ना। अभी तो बारिश भी हो रहा है, तैयार भी हो गए है, ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, साटा ले लिया है और टमटम पे जाऊंगी। और यहाँ से तो पैनल साइड लगा हुआ है, मुझे पता नहीं इतना सा आज देख रहे हैं। चलो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो देखिए हम फंक्शन में पहुँच गए, और यहाँ पे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज आए हैं एक्चुअली, जो टीवी में आते हैं, टीवी सीरियल्स में आते हैं, असमिस टीवी सीरियल्स। के मोहन है, और दूसरे भी कुछ है, पर एक चीज़ है, बारिश हो रहा है और बारिश में भीग के ही प्रोग्राम चल रहा है। ये देखिए लोगों का भीड़, सब बारिश में भीग के ही प्रोग्राम देख रहे हैं, काफ़ी भीड़ है। और कई लोग तो वापस चले गए हैं क्योंकि बैठने का जगह नहीं मिल रहा है, और बारिश में कुछ ऐसा अरेंजमेंट है नहीं जो बारिश से बचा जा सके, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। फिर भी लोग जो आए हैं वो एंजॉय कर रहे हैं कुछ, क्योंकि लास्ट है। लास्ट ये देखिए के मोहन, ये रे बोला है ना, समय को साइन नहीं आया ना, बारिश में भीग गया, माइक को साइन बंद हो गया बोला है। माइक का जो साउंड है वो भी अभी बंद कर दिया है क्योंकि बारिश हो गया, खूब हो गया, बारिश हो रहा है, भीग गया ना, और कहीं से शायद वायरिंग वगैरह का ऐसा प्रॉब्लम आया होगा, इस वजह से बंद कर दिया है। ये देखिए, ये रे एक्चुअली इन्हीं को देखने के लिए ज़्यादातर भीड़ यहाँ पे जमा है। ये देखिए यहाँ पे इंतज़ाम बाकी सब तो ठीक ही था, बस ये है कि बारिश से बचने का इंतज़ाम कुछ भी नहीं है। ये देखिए भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है, ये देखिए दोस्तों, अभी तो जो के मोहन थे, जो सीरियल के एक्टर्स वगैरह हैं, उनका प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। अब सिंगर का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होगा, पर इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। वो देखिए अंदर की ओर गए हैं कमेटी के मेंबर्स सब, ये देखिए ये हैं, ये देखिए भीड़ लग गया सेल्फी लेने के लिए, सब उनके लिए काफ़ी भीड़ लग गया है। और पुलिस लोग उनको हटा रहे हैं, भीड़ को, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए और सब जगह काफ़ी भीड़ है। तो देखिए सिंगर जो मिताली काकोली है, मेरा पहले गाकार पे बैठा हुआ है, मैं आपको दिखाऊँ, एक पे बैठ गया है, सिंगर पूरा ग्लास बांध करके रखा है, एक फॉर्म साइड में दिखाऊँ दोस्तों, फॉर्म साइड गाड़ी का अंदर है दोस्तों, आप पूरा देखा नहीं है दोस्तों।
তাকেতো এই মানে ইমান বেয়া লাগিছে দেখা পাব না দেখা পাব ইয়ে অভি সিঙ্গা নিকল কে গে গাড়ি সে ये देखिए सिंगा निकल के गए अभी गाड़ी से, बिल्कुल हमारे पीछे जो गाड़ी खड़ा था उसी पे बैठे हुए थे काफ़ी देर से, किसी को पता भी नहीं था। ये देखिए हम जहाँ हैं उसके बिल्कुल ठीक पीछे ये गाड़ी है, इस पे बैठे हुए थे सिंगर और अभी स्टेज में गए हैं। और जो दूसरे सीरियल के जो थे के मोहन और बाकी दूसरे जो कि बेहाबारी आउटपोस्ट एक सीरियल है उसके जो भी जो एक्टर्स थे वो निकल गए हैं यहाँ से, और अभी जो सिंगर हैं वो आए हैं स्टेज पे। दोस्तों ये जो सिंगर है असमी सिंगर है गीताली काकोटी नाम है और काफ़ी फेमस सिंगर है, पर बारिश कुछ ज़्यादा हो गया है इस वजह से पता नहीं क्या होगा, अभी इंस्ट्रूमेंट वगैरह इतना लग पाएगा या नहीं पाएगा उनके सिंगिंग के लिए। और अगर वो स्टेज में आ गई हैं पर शायद ज़्यादा देर तक नहीं होगा प्रोग्राम क्योंकि बारिश काफ़ी ज़ोरों से दे रहा है, लोग भीग के भी इस प्रोग्राम में हैं अभी तक। ये देखिए सब जगह हैं लोग, लोगों की भीड़ जमा हुआ है काफ़ी। ये देखिए और शायद ज़्यादा देर तक प्रोग्राम हो ना, बारिश काफ़ी ज़्यादा है और अभी टाइम भी काफ़ी हो चुका है, बिल्कुल हमारे पास से निकले हैं वो, हमारे पीछे वाली गाड़ी में ही बैठे हुए थे इतने देर से। इतने देर से नेहा जी देख रही थी पर किसी को पता नहीं था, श्योर नहीं था कोई कि वो इस गाड़ी में है या नहीं, पर ये है कि बाद में जब पता चला तो काफ़ी लोग आ गए थे पर फिर भी काफ़ी को पता भी नहीं चला। ये देखिए दोस्तों प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है बारिश के बीच में, लोगों का भीड़ भी है, सब छाता लेके या कोई तो ज़्यादातर लोगों ने छाता लिया भी नहीं है, बारिश में वैसे ही बैठे हुए हैं। ये देखिए बारिश हो रहा है।
তাকেতো চেকত এতিয়া বিহু কেনেকৈ খাওঁ বাৰু ৰ'ব এতিয়া কৈছে যে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট উঠাব পৰা নাই যেতিয়া গতিকে এবাৰ সেই গীতটি শুনাব লৈছোঁ প্ৰায় এই গীতটিত নচা দেখিছে বিশেষকৈ নিশ্চয় আপোনালোকে মিউজিক শুনিলে গম পাব এবাৰ সেই গীতটি শুনাব লৈছোঁ হয় নেকি আচ্ছা दोस्तों हम फंक्शन से वापस आ गए हैं और काफ़ी अंधेरा था रास्ते में क्योंकि करंट नहीं है पूरे एरिया में और दोस्तों बारिश की वजह से नेहा जी भी बहुत भीग गई छतरी लेके गए थे पर छतरी जो है हो गया। सोना के लिए यूज करना पड़ा हमारे लिए नहीं भीज गया है टावल नेहा जी भीग गई है और मैं भी पीछे की ओर से भीग गया हूँ सिर्फ सोना ही बची रही और अभी तो करंट है नहीं अभी जो चार्जिंग लाइट है उस पर ही हम काम चला रहे हैं और टाइम भी काफ़ी हो गया टाइम आज इतना ज़्यादा भी नहीं पहले जो इस फंक्शन में गए थे उसमें तो 2:30 बज गए थे पर अभी इस वाले फंक्शन में बारिश ज़्यादा हो रहा था इस वजह से सभी ज़्यादातर लौट आए और हम भी आ गए अभी 12 बज रहे हैं ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 12 बजने में 10 मिनट अभी भी बाकी है और हम उससे पहले ही पहुंच गए हैं 12 बजे से पहले ही और पैदल और अभी आते टाइम कोई बैटरी रिक्शा या टमटम मिला नहीं है ढेर सारा है ना नहीं बहुत सारे लोग हैं इस वजह से कई लोग तो रिजर्व भी करके लाए हैं और इस वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ हम पैदल ही आ गए क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है आधा किलोमीटर भी नहीं है शायद नहीं हाँ आधा किलोमीटर भी नहीं है ना आधा किलोमीटर भी नहीं था हमारे घर से तो गए एंजॉय करने के लिए दोस्तों सोना ने तो बोला है मैं डांस करूँ नीचे पापा को बोला है गुड में नीचे कर दो लेकिन एक बार कर दिया है बारिश आ रहा था तो नीचे उतार भी नहीं सकते पूरे टाइम गोद में ही रखा हाँ। सोना को और इतना बड़ा आर्टिस्ट बुलाया है प्रोग्राम करने के लिए लेकिन आर्टिस्ट स्टेज भी नहीं है पैनल तो अलग ही बात है जो कमेटी था कमेटी का भूल की वजह से जो फंक्शन है वो खराब हो गया थोड़ा क्योंकि बोला है ना कल काफ़ी बड़े काफ़ी अच्छे सिंगर बुलाए थे काफ़ी अच्छे एक्टर्स बुलाए हुए थे पर वहाँ कोई ऐसा कुछ पंडाल वगैरह बनाया नहीं था
जिसमें बैठ के लोग देख सके, या स्टेज के ऊपर भी कुछ भी नहीं था। तो जो आर्टिस्ट थे, जो सिंगर्स थे, उनको भीग के ही काम करना पड़ रहा था, अपना परफॉर्मेंस भीग के ही करना पड़ रहा था। और जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है वो तो लगा ही नहीं सके, वो तो सिर्फ एक साउंड बॉक्स के ऊपर ही चलते रहे। और एक इंस्ट्रूमेंट लगाया सिर्फ, जो बाकी इंस्ट्रूमेंट थे वो इंस्टॉल ही नहीं कर पाए वो लोग, खराब हो जाएगी ना उसमें। हाँ, सिंगर जो आई थी लेडी सिंगर थी, तो वो भी 4 या 5 गाना गाया उन्होंने, और बस उन्होंने मना कर दिया है। उसका कल प्रोग्राम है ना, बोला है बारिश के बीच में कल कैसे प्रोग्राम करूंगी ना, मैं प्रोग्राम नहीं करूंगी। कल प्रोग्राम है और सबका ही ऐसा है कि बारिश में भीगने से तो बीमार पड़ेंगे। और गाड़ी पे उतरा भी नहीं ना हम, गाड़ी पे बिल्कुल नजदीक में है दोस्तों, हमारे पीछे गाड़ी नहीं करूंगी खड़ा था। और वो बार बार बोल रहे थे कि ऐसे बारिश में तो वो प्रोग्राम नहीं करेंगे, काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो उतर के आई और उसके बाद प्रोग्राम किया भी, तो 4-5 गाने ही गाया सिर्फ, वो भी पूरा नहीं, आधा आधा गया है। उसका दूसरी नहीं है ना, हाँ। वो कल उसका प्रोग्राम है, वो खुद ही बोला है मेरा और प्रोग्राम करना है ना, हाँ। तो मैं आज बारिश में भेजूंगी तो कल मुझे प्रोग्राम कैसे करना है ना। थोड़ा ठीक बनाते तब भी प्रोग्राम चलता अच्छा, पर स्टेज भी नहीं था, सिर्फ नीचे स्टेज था, ऊपर कुछ भी नहीं था, तो भीग के ही करना कम्युनिटी बड़ा बड़ा गमछा लेके घूम रहा है। साउंड बॉक्स वगैरह भी तो बंद कर दिया था ना, हाँ, सब कुछ बंद कर दिया है। और आर्टिस्ट इतना अच्छा गाना गाता है ना, बहुत सुंदर है, मैं पहले से सुना है, तो इस वजह से मैं हस्बैंड को बुलाया जाए। और बहुत ढेर सारा आदमी जमा हो गया, लेडीज तो साटा लेके खड़ा हुआ है। नहीं, फिर भी जितना भीड़ होना था उसका आप सोचिए कि 25% ही रहा, हाँ। और 75% भीड़ था नहीं, तो भी क्योंकि अगर बारिश नहीं होता तो ये जो ग्राउंड था काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और ये पूरा ग्राउंड फुल होता, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। पहले ही लोग रिटर्न करना स्टार्ट कर दिए जब उन्होंने जाके देखा कि स्टेज पे कुछ नहीं है, बैठने का कोई ठीक से कुछ अरेंजमेंट नहीं है, तो सभी लोग रिटर्न करना स्टार्ट कर दिए थे, तो इस वजह से थोड़ा प्रोग्राम ख़राब हो गया। और हम लोग तो नीचे में जो बैठा हुआ है ना, गाड़ी पे बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा किसी ग्लास खोला है, मैं उसको देख लिया है, तो मैं हस्बैंड को बोला है एक वीडियो करो ना, फोटो खींचो ना, और हस्बैंड कर लिया ना, हाँ। कर लिया फोटो खींचा है, हाँ। हाँ। तो आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों, काफी नजदीक से, बिल्कुल नजदीक मेरे सामने, हम लोग गाड़ी का आगे से खड़ा हुआ है और देखा है कम्युनिटी लोग भी बार बार बोला है आइए, तो वो कहा मैं ऐसे प्रोग्राम नहीं कर, बार बहुत बार रिक्वेस्ट किया है। और दोस्तों एक चीज़ और, हमने अभी तक खाना नहीं खाया है, नेहा जी ने बनाया नहीं, क्योंकि कई बार देर हो जाता है आते हुए, प्रोग्राम काफ़ी देर तक चलता है, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम तो सुबह के 3:30-4 बजे तक आराम से चलते हैं, और कई बार हम जब 2:30-3 बजे आ रहे होते हैं तो उस टाइम खाने का भी इच्छा नहीं होता है, खाना नहीं खाऊंगा, हाँ, तो इस वजह से मना किया मैंने बनाने के लिए। और देखा कि अब तो जल्दी आ गए हैं, 12:00 बजे, तो देखते हैं कुछ ऐसे ही थोड़ा बहुत बना के, रखा है, हाँ, थोड़ा बहुत कुछ बना के खाएंगे। खाना कैसे बना, हाँ ये भी बात है कि करंट नहीं है, देखते हैं कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो लोग नया है मेरे चैनल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए भूलना मत। कल फिर मिलेंगी और एक नया ब्लॉग के साथ, आज के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।